वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान की तरफ से 21 जून 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं राजस्थान जयपुर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर आपका मंथली रेमोनरेशन क्या मिलने वाला है, इसके अलावा सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ए एन एम किया है आपने और आपका रजिस्ट्रेशन है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रिलीज किए गए हैं 398 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि 398 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक की पोस्ट के लिए। सो जिसमें ए एन एम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली रेमुनरेशन जो रहेगा वो फिक्स मानदेय उनको दिया जाएगा, नियमानुसार उनको मानदेय यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का, मेरिट बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत देखा जाएगा और तकनीकी योग्यता का प्रतिशत देखा जाएगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक प्रारंभ होने की तिथि 23 जून 2021, यानी कि 23 जून से शुरू हो चुका है सुबह 10 बजे से। इसका समाप्त होने का तिथि जो है ऑनलाइन लिंक समाप्त होने का तिथि 27 जून 2021 शाम के 6 बजे, यानी कि 27 जून 2021 शाम के 6 बजे यहाँ पर ऑनलाइन लिंक जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। वहाँ यहाँ पर समाप्त होने का तिथि है, यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 27 जून को। और यहाँ पर जो 30 जून 2021 को यहाँ पर लास्ट डे है आवेदन पत्र को ऑफलाइन सबमिट करने का। सो आपको आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन रसीद के साथ समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा भी करना है, तो उसका लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है 30 जून 2021 शाम के 6 बजे तक है। सो 30 जून से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यह एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर फिलअप करना है। कौन कौन से आपको दस्तावेज साथ में लगाने हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है फोटो युक्त पहचान पत्र आपका रहेगा, जिसमें पता का विवरण होना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके अलावा उच्च माध्यमिक की अंक तालिका एवं मार्कशीट, यानी कि 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा ANM का आपका रहेगा सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट है पूरक की स्थिति में समस्त अंक तालिकाएँ। इसके अलावा ANM डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वैलिड RNC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का। इसके अलावा वैलिड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, OBC के लिए 1 वर्ष के भीतर जारी प्रमाण पत्र, और EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी कि 2021 और 2022 हेतु जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र रहेगा और अन्य श्रेणी हेतु वैलिड दस्तावेज जो भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आप वीडियो में आते हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा हेतु सक्षम न्यायालय की डिग्री, इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के लिए वैलिड प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। तो ये सारे जो जिस क्रम में हमने बताए हैं यहाँ पर उसी क्रम में सेम आपको ऐसे ही लगाना है, यानी कि सबसे पहले आपको फोटो युक्त पहचान पत्र रहेगा, उसके बाद आपको 10th का लगाना है, उसके बाद 12th का रहेगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके बाद ANM का जो भी है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका रहेगा। सभी मूल दस्तावेज में एक आपको स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना है, सभी का एक
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रहेगा सभी सर्टिफिकेट का, और ऑनलाइन रसीद की प्रति भी रहेगी, ऑनलाइन रिसिप्ट जो आपने ऑनलाइन, आपको सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ से आपको ऑनलाइन रसीद की प्रति के साथ जो भी आपका सब डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसको ऑफलाइन आपको यहाँ पर 30 जून यानी कि 30 जून 2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर भीलवाड़ा में संलग्न करना है, यहाँ पर सबमिट करना है आपको। सो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर भीलवाड़ा, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। लास्ट डेट जैसे हमने बताया 30 जून 2021 है। सो यह तो यहाँ पर सबमिट करने का लास्ट डेट है, बट यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है, ऑनलाइन लिंक जो अवेलेबल है, वो आपको उसका लास्ट डेट यहाँ पर जैसे हमने बताया 27 जून तक ही है। तो 27 जून तक आपको यहाँ से ऑनलाइन आपको अपना सब काम कर लेना है। सो यहाँ पर और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आपको वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाकर आपको अच्छे से वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ने, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।